नमस्कार दोस्तों, स्वागत है डिवाइन मास्टरी में। क्या बोलूँ, बहुत दिन से वीडियोस नहीं आ रहा था। मैं बहुत ज़्यादा इधर उधर बिजी रह रहा हूँ आजकल थोड़ा, तो सॉरी फॉर दैट पहली बात तो। और आज का वीडियो एक फ्लूट रिव्यू वीडियो है, पूनम फ्लूट सी शार्प बेस का। तो ये एक फ्लूट जो मुझे सुभाष जी से मिला, मैं दिल्ली विज़िट किया था अभी फ़िलहाल लास्ट मंथ आई गेस। तब मैं सुभाष जी से जब मिला, तो जब मैं उनके फ्लूट्स के जो पूरा दुनिया है उनका जो फ्लूट का, उसमें से एक फ्लूट मैंने जस्ट पिक किया और वो मेरे हाथ में मेरे और उसका जो ट्यूनिंग है सब प्रोपोर्शनेट हो गया। पहला फ्लूट ही जो मतलब पसंद आ गया और वो ट्यून में भी आ गया। तो अक्सर ऐसा होता है कि आप अगर फ्लूट मेकर के यहाँ विज़िट करते हैं तो बहुत टाइम के बाद ही एक फ्लूट चूज़ करना पड़ता, मतलब वो मिलता है अगर आप वहाँ पे एक्सेसिबल हैं तो। बट ये फ्लूट ऐसा था कि एक बार में आई वाज लाइक लकी, और उसमें फिंगरिंग में और वो प्लेइंग में वो सब कंफर्टेबल भी लग रहा था मुझे। तो ये वो फ्लूट है, आप देख सकते हैं सी शार्प बेस कितना बड़ा फ्लूट है। डी बेस जो है, डी बेस के ऊपर अगर हम लोग जाएंगे, अगर लेंथ वाइज देखेंगे तो सी शार्प नेक्स्ट नोट आ जाता है। तो सी शार्प बेस जो फ्लूट है, तो ये काफ़ी बड़ा फ्लूट है। डी बेस अगर आपके पास प्रैक्टिस हुआ है, ई बेस डी बेस ये सब है, तो ही सी शार्प बेस यूज़ कीजिएगा। इसके ऊपर भी और फ्लूट आएंगे, जैसे कि सी बेस, उसके बाद बी, ए बी संख संख फ्लूट जिसको हम लोग बोलते हैं बी संख, और फिर ए शार्प शंख, ए शंख, बहुत बड़ा बड़ा वो फ्लूट हो जाता है। वो अब तो अभी तक मैंने बजाया नहीं है, ये मैं इसमें अभी कंफर्टेबल होने का ट्राई कर रहा हूँ। ठीक है, तो इसका भी साउंड सुनेंगे। इसमें अगर हम लोग देखेंगे, इसमें अभी ये तानपुरा सेट है सी शार्प के ट्यूनिंग में। अब इसका ट्यूनिंग चेक करेंगे फर्स्ट तो। परफेक्ट पिचिंग में है। इसमें और ये देखिए जो साउंड है, कितना बेस का साउंड आ रहा है। ये बिगिनर्स के लिए तो छोड़ ही दीजिए, जो डी बेस बजा रहा है उसके लिए शायद थोड़ा ये हेल्पफुल होगा ये फ्लूट, क्योंकि अगर उसको और थोड़ा अपना फिंगर स्ट्रेच करके बजाना है और थोड़ा और अच्छे से, तो आप ई बेस डी बेस के बाद ही ये फ्लूट चूज मतलब जा सकते हैं। और इसमें देखिए कितना थोड़ा स्ट्रेच करना पड़ रहा है, और अगर आप ज़्यादा देर ऊपर रखेंगे हाथ को, क्योंकि ऐसे बजाना पड़ रहा है। बहुत बहुत ही अच्छा लग रहा है, सुनाई दे रहा है बहुत। देखिए कितना बेस का साउंड आ रहा है, एकदम प्रॉपर वे में सुर ठहर रहा है और रह रहा है, मतलब पूरा कहीं हिल नहीं रहा है।
बहुत ज़्यादा सुर में है। देखिए कितना ज़्यादा फिंगर्स स्ट्रेच्ड है, तो उतना अच्छे से होना चाहिए तभी मतलब आपका आप बजा पाएंगे, नहीं तो सुना ही नहीं देगा फ्लूट। और पेन होगा हाथ, बहुत ज़्यादा पेन होगा, मेरा भी पेन हो रहा है, होता है बहुत ज़्यादा, इसको ज़्यादा अगर प्रैक्टिस करूँ तो। और अगर थोड़ा रिलैक्स करना चाहते हैं तो थोड़ा नीचे कर सकते हैं, ऐसे करके बजा सकते हैं, थोड़ा ये पार्ट नीचे हो जाएगा। बहुत ही ट्यून में रह रहा है। मींड भी बहुत मींड गमक देख रहे हैं आप, मैं कैसे बजा रहा हूँ उसमें। ऊपर का धा बजाने की कोशिश, मिक्स नोट्स कुछ भी मैं बजा रहा हूँ रैंडमली, मतलब कोमल स्वर भी। ज़्यादा पेन होगा इसको ज़्यादा बजाने से, ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं है मेरा, बट फिर भी आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि कैसे साउंड कर रहा है एंड ऑल। ठीक है, तो काफ़ी अच्छा है, आप देखने के लिए भी कितना सुंदर है। देखिए जैसे ही उनका जेनिक मतलब जो रेगुलर ट्रेडमार्क होता है उनका, सुभाष लिखा रहता है, ओम लिखा रहता है, आप ये तो कस्टमाइज़ कर ही सकते हैं। मैं फ्लूट परचेज़ का लिंक डिस्क्रिप्शन में देने की कोशिश करता हूँ, तो आप वहाँ से देख के इसको परचेज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो फ्लूट का ये जो अभी मेरे पास जो है इसका बिल्ड क्वालिटी तो बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत मतलब बैम्बू का जो साउंड है प्लस कंफर्ट है इसका, प्लस इसका जो लुक्स भी है ज़्यादा इधर उधर नहीं है और बेंड स्ट्रेट है पूरा, मतलब इधर उधर ज़्यादा बेंड भी नहीं लग रहा है कहीं पे, बहुत स्ट्रॉन्ग बैम्बू का बना हुआ है, तो ये आप देख सकते हैं और आप इसको ट्राई कर सकते हैं, लेकिन डी बेस के बाद, अगर आप डी बेस में थोड़ा कम्फर्टेबल हैं, वैसे तो ई बेस के बाद, ई बेस ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं सब कोई और डी बेस ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं करते हैं, छोड़ देते हैं, बहुत जन ऐसा होता है, बट डी बेस भी प्रैक्टिस करना है और फिर उसके बाद सी शार्प बेस में जा सकते हैं थोड़ा। ठीक है, तो बहुत सारे राग हो सकते हैं इसमें। ठीक है, कंफर्टेबल बहुत है इसीलिए इतना मतलब
ताकत लगाना नहीं पड़ रहा है, ईजिली वो मींस और गमक और वो सब हो जा रहा है। तो वही है, एक ब्रांडेड फ्रूट मेकर जो है वो हर एक चीज़ को वो देख के बनाते हैं, ऐसा इधर उधर कहीं पे इन मतलब ट्यूनिंग का कुछ गड़बड़ नहीं होता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, तो मिलते हैं अगले वीडियो पे, तब तक के लिए धन्यवाद।